वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक और बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आई हूँ उन लड़कियों के लिए जो इस तरीके के स्टाइल्स ढूंढती हैं यूरोप में। वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिलता भी है तो काफ़ी सारा महंगा, बहुत महंगा मिलता है, 50 यूरोज़, 100 यूरोज़। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बजट फ्रेंडली शॉपिंग जो मैंने करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जहाँ जहाँ पहना मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगी, मेरे कलीग्स को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी इस तरीके के कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने शेयर करा है कि आप किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो किस वेबसाइट से ले सकते हैं, क्या प्राइस है, और ऑफ कोर्स आप लोग कैसे जो है वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं या आपको डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। आज भी एक ब्रांड न्यू ऐप के बारे में मैं बता रही हूँ जो कि अभी अभी आई गेस लॉन्च हुई है जर्मनी में, यूरोप में। इसका नाम है वॉगियन। वॉगियन जो है, इसमें मैंने जैसे ही ब्राउज करना स्टार्ट किया और देखा, मेरे को काफी अच्छे अच्छे डिजाइन लगे, एंड समहाउ आई फेल्ट दैट यार ये जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं आएगा। बट मैंने सोचा यार यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी काफी अच्छी होती है कि आप रिटर्न कर सकते हो विद इन सम टाइम, जो भी उनकी रिटर्न पॉलिसीज होती है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, और अगर अच्छा हुआ तो ऑफकोर्स मैं अपने जो ऑडियंस है उससे शेयर करूंगी, और आपको ऑफकोर्स हेल्प करता है ये सारी चीजें। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने वहीं से मंगाई है, काफ़ी फ्लेयर ड्रेस है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स मैंने चूज़ करी है, उनकी बहुत वाइड रेंज है, बट वाइड रेंज में भी मेरे को मतलब इतनी मुश्किल आ रही थी चूज़ करने में, और मैंने उसमें से ये चूज़ करी और मुझे लगा कि ठीक है यार अगर अच्छा नहीं आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी, बट बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। मैंने अभी एक मेरे ऑफिस में पार्टी थी वहाँ पर पहनी, तो सारे कलीग्स ने बोला वाओ यार ये बहुत ब्यूटीफुल है, और इस टाइप की ड्रेस यहाँ पर 100 यूरोस से ज़्यादा की ही मिलती है। एंड जब मैंने उनको अपना प्राइस शेयर करा तो दे वर शॉक्ड यार, और उसके साथ ही साथ मैंने जो अपना डिस्काउंट कूपन बताया कि यार तुम अगर ये SUR जो है वो कूपन कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें 10 यूरो ऑफ मिलेगा, वो भी 10.1 यूरोस की शॉपिंग में, तो इट्स नेग्लिजिबल। अदर देन दैट 16 यूरोज मिलेगा इतनी शॉपिंग पर अगर आप SURA जो है वो यूज करोगे। तो दे वर शॉक्ड, एंड उन्होंने भी मंगवाई कुछ चीजें एंड दे रियली लाइक्ड इट। उन लोगों को तो ऑफ कोर्स मैंने सारी लिंक शेयर नहीं करी बिकॉज आई डोंट वांट कि वो भी सेम ड्रेस पहन के पार्टीज में आए जिस जो मैं पहन के जाऊँ, बट आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और आप लोग पूरा वीडियो देखना और बताना सबसे अच्छा गारमेंट या सबसे अच्छा अपैरल कौन सा लग रहा है। काफी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, और जो मेरी बेस्ट वन ऑफ बेस्ट ड्रेस जो मुझे लगी, जो शायद मेरी पूरी वार्डरोब में ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं लास्ट में पहन के बताऊंगी। आपको भी अगर वो अच्छी लगे तो बोलना हाँ यार वी ऑल्सो लाइक द सेम, और अगर आपको उसके अलावा कोई अच्छी लगती है तो वो बताना। तो सबसे पहला है ये ब्लू में विथ द फ्लावर, इसमें थोड़ा प्रिंट है, जॉर्जेट की ड्रेस है, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा अनकम्फर्टेबल टाइप का। ऑल दो ये काफ़ी सारी भारी लगेगी आपको बिकॉज ऑफ फ्लेयर, बट इसके अलावा मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए, समर के लिए आई थिंक बहुत कंफर्टेबल है। आप आराम से कहीं पर जा सकते हो, शूट कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके पिक्चर्स और वीडियोज आ सकते हैं, जो ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे जो मैंने कुछ शूट करे थे, एंड आई लव दिस। तो और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ऑफ कोर्स आप जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि प्राइस क्या है। आई थिंक 22 यूरोज की थी, विच इज़ वेरी मिनिमल फॉर दिस ड्रेस, एंड ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द डिस्काउंट आल्सो। तो गाइज बिना कुछ टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट ड्रेस देखें कि नेक्स्ट ड्रेस क्या है। तो डंडर एंड नेक्स्ट ड्रेस जो है वो अक्टूबर फेस्ट ड्रेस है, और अक्टूबर फेस्ट जो है वो यहाँ पर आने वाला है, कुछ ही दिनों में आने वाला है। आई थिंक वीडियो जब तक आएगा उसके कुछ ही दिन में आ जाएगा। मैंने कुछ ड्रेसेस इंडिया से बनवाई थी, उसमें वो फिनिश नहीं आई जो यहाँ पर जो मुझे मिली है उससे आई है, वीडियो देख सकते हो आप। बट ये मैंने पिंक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में मंगाई है। इसमें अक्टूबर फेस्ट ड्रेस या ड्रिंडल जिसे बोलते हैं, उसमें एक ये फ्रॉक टाइप का आता है, ऊपर से ये लेस आती है, उसमें नेट वगैरह होता है, आपको जो भी कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हो। और उसी के साथ साथ एक ब्लाउज़ आता है जो उस ड्रेस के अंदर पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउज़ आता है, कुछ हाई नेक भी आते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर डीप
पहनते हैं लोग, तो वो तो ये काफ़ी सुंदर लग रही है ग्रे एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और बिल्कुल पिंकिश या वाइटिश टाइप का, बट दिस इज़ वॉट द ड्रिंडल। अगर आपको भी ड्रिंडल मंगाना है तो ये काफ़ी कम प्राइस पे है। आई थिंक जितनी भी गारमेंट्स मैं बता रही हूँ वो 30 यूरोस से नीचे के ही हैं, और डिस्काउंट कूपन जब आप फर्स्ट कस्टमर होगे तो आपको काफ़ी भारी डिस्काउंट मिलेगा। आई एम श्योर आप सारा चूज़ करो, डिस्काउंट कूपन लगाओ और आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, लिंक ऑफ कोर्स वेबसाइट पे। तो ये हो गया ड्रिंडल, ये कैसा लगा बताना जब तक मैं दूसरा मतलब कौन सा तीसरा गारमेंट लाती हूँ। अभी क्या है, डेनिम जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड में है, डेनिम ऑन डेनिम, या डेनिम हमेशा ही ट्रेंड में होता है, बट इस टाइम पे काफ़ी अच्छे जम्प सूट और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डेनिम की रेंज पर आई हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ। इवन इस वेबसाइट वोगियन में भी काफ़ी अच्छे डेनिम्स के जो स्कर्ट्स थे, डेनिम्स का पूरा कॉट सेट था, बहुत सुंदर सुंदर थे। उसमें से मैंने एक चीज़ मंगाई विच इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्टाइल, मैंने सोचा थोड़ा ट्राई करते हैं। उसमें क्या है, एक टी शर्ट है, थोड़ा मैं इसको मैंने क्योंकि पहन के देख लिया था टू शो यू कि क्या है। तो एक टी शर्ट है विच इज़ रियली अ कट फ्रॉम दिस साइड, जो बहुत अच्छा दिखाता है। ये टी शर्ट थोड़ी लंबी है, मतलब जितने आप शॉर्ट्स पहनते हो उतनी है, तो दिस इज़ अ टी शर्ट। उसके नीचे है अ काइंड ऑफ स्कर्ट जो कि सिर्फ एक ऊपर की बटन लगाओ आप तो खूब अच्छा लगता है, थोड़ा फैशनेबल लगता है। यहाँ पर कट है, नीचे स्कर्ट है, और जो टॉप का फिट है वो बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स बेल्ट, बेल्ट से ये आपको एक डिफाइंड वेस्ट पे जो है वो फिट देता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ड्रेसेस तो मंगाई है, मैंने कैजुअल भी कुछ भी चीज़ मंगाई है, जैसे मैं हर कभी बाहर चली जाती हूँ शूट करना होता है, तो उसके लिए भी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है, समरी है, और मैं ये बोल सकती हूँ डे टू डे में भैया कभी भी पहन सकते हैं जब मर्जी हुई। ये कैसा लगा वो बताना जब तक मैं नेक्स्ट गारमेंट लाती हूँ। सो दिस इज़ द अनदर टॉप जो कि पिंक है, और मैंने जो बोला था ना आपको कि मुझे एक ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी है वो भी पिंक कलर की है। यार गाइस क्या ड्रेस है, बट ये टॉप भी नो डाउट बहुत सुंदर है। ये कलर का टॉप मिलना विद दिस फिट बहुत मुश्किल है जर्मनी में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार मैं आपको सारे रिव्यूज़ बता दूँ। बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है, नेट का है, और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट मुझे ये लगा कि आपको शायद देखने में ऐसा लगे कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं आएगी, बट जब आती है तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल आती है, ब्यूटीफुल फैब्रिक के साथ आती है, ऐसा लगता है कि प्रीमियम फैब्रिक्स यूज़ करे हैं। द सेम एग्जाम्पल इज़ दिस, आई थिंक आपको वीडियो और फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही प्रीमियम टॉप लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बजट में है हम लोगों के। क्यों ना मैं आपको ये ड्रेस दिखा दूँ, ये ड्रेस बहुत समरी है, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे पता नहीं क्यों लगा था ये वाली ड्रेस पक्का मैं जो है वो रिटर्न करूँगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट ये पहनने की बात यार एक अलग ही फिट दे रहा है, एक अलग ही आपको बॉडी का शेप दे रहा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दिस इज़ द ड्रेस जिसका नेक थोड़ा सा डीप है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन वियर समथिंग इनसाइड, बट ये सारे कपड़े जितने भी हैं सब मैंने मीडियम साइज़ में मंगवाए हैं। ये ड्रेस जो है वो मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा कि टाइट है, तो शायद मुझे एक साइज़ अप मंगाना था, पर आई डोंट नो अगर मैं अप मंगवाती तो ढीली होती, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो जब भी आप साइज़ चूज़ कर रहे हैं तो आप या तो वो जो उनका साइज चार्ट है वो देखो, या रिव्यूज़ चेक करो कि ये अप है या डाउन है। आई एम श्योर मैं भी रिव्यू लिखने वाली हूँ कि भाई आपका जो भी साइज़ है, जैसे आप मीडियम पहनते हो तो थोड़ा एक अप साइज़ मंगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इसे एल मंगाती तो ज़्यादा बेटर फिट करती, बट स्टिल आई लाइक इट। हाँ शायद मुझे थोड़ा ऐसे पेट दबा के पहनना पड़ेगा, बट ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगता है एल साइज़ शायद ढीला हो सकता है, तो मैं आई विल गो फॉर दिस साइज़ ओनली। अब ये जो नेक्स्ट है ये मैं पहन रही हूँ, मैंने सोचा क्यों ना ड्रेस के ऊपर मैं ब्लेज़र ट्राई करा जाए एंड आपको बताया जाए तो थोड़ा चेंज भी हुआ जाए। तो ये है ब्लेज़र, पिंक कलर का ब्लेज़र, यार काफ़ी टाइम से मेरी नज़रों में था। जो ब्रांड्स जो मुझे अच्छे लगते थे उसमें काफ़ी महंगा आ रहा था,
आई थिंक मोर देन 50 यूरोज और 60 यूरोज विद दिस काइंड ऑफ अ फिट. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये ऑफकोर्स मैंने जीन्स में भी ट्राई किया, ये बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने इस ड्रेस पे भी ट्राई करके बताया है, तो ड्रेस पे भी आप पहन सकते हो एंड आई रियली लाइक इट. तो ये ऐसा लग रहा है. तो अभी तक आपने देखा होगा मैंने सारे लाइट कलर ट्राई करे हैं. दिस इज़ द आई थिंक फर्स्ट वन जो मैंने ब्लैक कलर में मंगाया, क्योंकि दो चीज़ें हैं, ब्लैक कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ब्लैक चूज़ करती हूँ. तो दिस टाइम आई मेक श्योर कि भाई मुझे ब्लैक चूज़ नहीं करना है. ये लॉन्ग ड्रेस है, पार्टी वेयर ड्रेस है, और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, एक्सपेंसिव लग रही है, प्रीमियम लग रही है. ऐसा नहीं लग रहा कि यार कुछ भी उठा के पहन लिया. नेट जो है वो भी इसका बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. आई थिंक दे यूज़, मतलब ये लोग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स यूज़ करते हैं अपने ड्रेसेस में. अभी तक मैंने जितना भी ट्राई किया है वो तो ऐसा ही है. आई डोंट नो अभी जो जितनी बची है उसमें से अगर कोई ऐसी है जो मुझे लग रहा है नहीं यार इसका फैब्रिक बेटर हो सकता था या फिर कुछ और स्टाइलिंग बेटर हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है. तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं. और अभी तक आपको कौन सी अच्छी लगी उसको जल्दी से कमेंट कर दो और फॉलो और सब्सक्राइब कर दो. और इंस्टाग्राम पे भी मैं ऐसे चीज़ें जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ, तो जस्ट चेक दैट आउट, क्योंकि मैं लिंक्स शेयर करती हूँ वहाँ पर. इट्स टाइम टू शो माई बेस्ट ऑफ इट. एंड आपको जैसा दिख रहा है थोड़ा क्लटर को अवॉइड करो, क्योंकि मैंने इस तरफ सारी चीज़ें रखी थी एंड इस तरफ जो है वो मैं शूट कर रही थी और सारी चीज़ें मैंने उधर घुसा दी थी जो भी चीज़ें आई थी. एंड तारा इस तरफ जो है वो अपना कार्टून देख रही है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं पूरा वीडियो बना पाऊँ. आपको पता ही होगा आई एम अ न्यू मॉम, तो ऑफ कोर्स मेरे को बहुत चैलेंजेस होते हैं शूट करने में, बट दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू इट, इसलिए मज़ा आता है. एंड आई एम श्योर कि आपको भी इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा. एंड अभी क्योंकि लॉन्च हुआ है यहाँ पर तो काफ़ी सारा डिस्काउंट दे रहा है. लाइक अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको 99 यूरोस तक का डिस्काउंट मिलेगा. एंड SUR 10.1 यूरोस की अगर आप शॉप करेंगे तो 10 यूरो का आपको डिस्काउंट मिलेगा. SUR एक कूपन कोड यूज़ करोगे तो इतने यूरोस की शॉपिंग करोगे तो उस पर जो है वो 16 यूरोस का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड. लाइक 16 यूरोस की तो एक इसमें से शायद ड्रेस ही होगी डिस्काउंट के बाद. तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपको जो भी सबसे बेस्ट लगे या तो मुझे भेजना, कमेंट करना, कुछ भी. मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना आपको जो भी अच्छी लगी, और मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो बता रही हूँ. और ये मैं मंगाने से पहले आई एम श्योर आप लोग भी सोचोगे कि मैं ये सोच रही थी आई डोंट नो ये कैसी आएगी. एंड अभी मैं इसलिए इसको सीधा कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको पहन के बहुत खुश हो रही थी. आई फेल्ट लाइक आई एम ब्यूटीफुल आफ्टर वियरिंग दैट, क्योंकि मैंने इस तरीके के कट्स, इस तरीके की ड्रेस, लाइक इट्स अ कॉर्सेट ड्रेस, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी. लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा वेट गेन किया था, फिर अब थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ है, तो उसके बाद मुझे अब बॉडी में अच्छा फील होने लगा है, तो काफ़ी टाइम से नहीं करी थी. एंड ऑल्सो दिस कलर, बट जब मैंने पहना देन आई फेल्ट लाइक यार नो दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल. एंड मैं भी आपको यही बोलूँगी, कभी भी आपको ऐसा फील होता है ना कि नहीं यार समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट, एक अच्छी सी ड्रेस जो है वो अपने लिए ऑर्डर करो मे बी दिस वेबसाइट से, और बढ़िया सा गाना लगाओ, उस पर डांस करो या म्यूज़िक सुनो या बाहर घूमने निकल जाओ हेडफोन लगा के. ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत खुशी देता है. तो टेंटेड एंड दिस इज़ द ड्रेस. एंड ऑफकोर्स इस ड्रेस के लिए एक तो गाना बनता है, मतलब एक तो म्यूज़िक एंड सिनेमैटिक शॉट बनता है, तो वो मैं डाल देती हूँ. ये जैसा मैंने आपको बोला कॉर्सेट ड्रेसेस में 3 कलर्स थे, मैंने सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो चूज़ किया. और ये मुझे मतलब इसका फिट इतना अच्छा लगा ना कि मेरे को लगा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और मुझे ऐसा लगा मैं ये जो वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज़ होती है ना जिसमें हमें लगता है कि यार हमें सबसे अच्छा दिखना है, हमें सबसे अच्छा कुछ पहनना है. लाइक मैं अभी प्रीवियसली एक फरहान अख्तर के शो में गई थी जहाँ मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूँ.
उस टाइम पे मेरे पास ये ड्रेस होती तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि ये वैसे ही है कि वो आपको सेलिब्रिटी वाला फील देगी। आप पहनोगे तो, आप बाहर जाओगे तो भी जो है वो आपको बहुत अच्छा फील देगी, फोटोग्राफ्स आपके अच्छे आएंगे। बहुत ज़्यादा बोल दिया, बिकॉज़ एक्चुअली आई लव दिस ड्रेस एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसे बहुत सालों तक बचा के रखूँगी। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें आपको ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो पैड्स हैं। इसमें और भी बहुत सारी ड्रेसेस जो मैंने आपको बताई इसमें है, जिसमें आपको ना कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है और जो ऑफ कोर्स आपको कंफर्टेबल बना देता है। तो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। दिस टाइप लाइक इस टाइप के वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बनाने, जहाँ पर मैं आपको नई नई वेबसाइट्स के बारे में बताती हूँ, नई नई वेबसाइट लॉन्च के बारे में बताती हूँ और उससे रिलेटेड डिस्काउंट्स के बारे में बताती हूँ, जो बेसिकली अगर आपको कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस चाहिए तो आपके लिए हेल्प करे। पहले भी इस तरीके के वीडियोज़ बना चुकी हूँ, अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे है। इन सारे गारमेंट्स की भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो बिल्कुल सुनना चाहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करो। और अगर ऑर्डर करो तो प्लीज़ अपना फ़ोटोज़ भेज देना आपने क्या ऑर्डर किया, एंड डिस्काउंट जो है वो यूज़ करना मत भूलना। वो सब कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू इन्जॉयड इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ देखने के लिए, लाइफस्टाइल सीरीज़ देखने के लिए आप दूसरे वीडियोज़ रेफर कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।